गाइस बोल बम, आज मैं स्वागत कर रहा हूँ तुम लोगों को मेरे एक छोटी सी नया वीडियो पर। और आज है बोल बम, तो आज हम लोग एक हमारे गांव का शिव जी की मंदिर थी, भोग दे रहे हैं। तो चलो चलते हैं, भोग रांध रहे हैं इधर, तो किंता बनाते हैं इधर। देखते रहे हो वीडियो को लास्ट तक, और वीडियो को लाइक शेयर और मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस भोग रांधवार लगी जाए, फल मूल दरकार सब चीज़ को इधर रख दिया हूँ, और सारे चीज़ को भी काटते हैं। तो अच्छा का खिचड़ी बनने के लिए सारा चीज कटा छुपा सर चुका है, तो चलो चलते हैं खिचड़ी बनाने के लिए शुरू करते हैं। अभी डेक तप चुका है, अभी इसमें घी डाल देते हैं। घी अभी तप चुका है, अभी इसमें जीरा थोड़ा डाल देते हैं, और एक गुटा गरम मसाला, और एक बादाम डाल देते हैं। और अभी ये कुटा हुआ अदरक डाल देते हैं। और अभी ये सारा सब्जी डाल देते हैं इसमें। और अभी इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देते हैं, और इटा लाल कश्मीर पाउडर, और ये मूंग दाल डाल देते हैं इसमें, और ये सब्जी दाल थोड़ा ऐसे भाजने के बाद अभी इसमें ये अरवा चावल डाल देते हैं। और इसमें ये ऊपर से थोड़ा सब्जी मसाला दे दूँ, और अच्छा ये चावल को भी थोड़ा भाजने के बाद अभी इसमें पानी डालेंगे। और अभी इसमें ये ऐसे छोटे छोटे कटा हुआ नड़िया डाल देते हैं, और ये काजू डाल देते हैं अभी इसमें, और अभी इसमें ये नमक डाल देते हैं, अभी इसमें ये चीनी थोड़ा डाल देते हैं, ये ढपनी के इतिहास ढाप देते हैं। तो अभी ये खिचड़ी पक चुका है, अभी नीचे से आग उठाकर ऊपर डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा पानी है जो वो मर जाएगा। तो अभी ये खिचड़ी पक चुका है, अभी इसको उतार देते हैं। शिव जी की कृपा से ये अचन का खिचड़ी रहा, बहुत अच्छे से पक चुका है, बहुत अच्छा भी दिख रहा है खिचड़ी अभी। तो अभी भगवान जी को
प्रसाद चढ़ा चुके हैं। तो एछनगा ईटा लोगों को प्रसाद देने के लिए एछन ईटा मुई परस रहा हूँ। तो ये है रंधा हुआ टमाटर खट्टा, तो इसको अभी प्रसाद के ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल देता हूँ। लगुचे जे बताव बरसात भोग है पूरे इटा हला भोग केंदा लगुचे केंदा लगवा का भोल लगवा। तो गाइस एछनगा जते लोग यहाँ भक्त लोग पूजा करने आए थे सब लोगों को प्रसाद खिलाकर हम लोग अभी भेज चुके हैं, वो लोग चले गए हैं। तो एछनगा वो भी प्रसाद को खाते हैं हम लोग। तो गाइस हमें लोग एछनगा इतना सारा खिचड़ी भात लिए हैं और ये टमाटर खट्टा और ये एक रसगुल्ला। तो ये मेरा पार्टनर भी ये सब लिया है और यहाँ पे कांचा मिर्च है खाएंगे और अभी खाते हैं हम लोग प्रसाद को। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर ही देते हैं। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। बहुत बढ़िया बना है, पूरा टेस्ट लग रहा है लेकिन पूरा महादेव का प्रसाद। वाह माधव का प्रसाद का मजा आ रहा है। और ये रसगुल्ला खाता हूँ अभी, मेरा वाला मैं पहले से खा चुका हूँ। रसगुल्ला रसगुल्ला लग रहा है ऊपर कहता है रसगुल्ला रसगुल्ला जैसे लगेगा। तो गाइस आज का ये बोलबम वाला खिचड़ी जो बनाया था भोलेनाथ का प्रसाद वो सब अभी सब लोग खा चुके हैं। तो गाइस मोर वीडियो आप लोगों को कैंता लगला जे कमेंट करके जरूर बताना और मेरे वीडियो को शेयर जरूर करना और मेरे वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो ओके बॉस, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ न्यू खाना के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।